तो माय न्यू ब्लॉग, मेरा नाम मनीष है और आज मैं अभी सो कर रहा हूँ जस्ट अभी। और अभी मैं कुछ कर नीचे आया था और मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, एक आंटी हमारे यहाँ पैकेट बना रही है। ये पैकेट बनेंगे, फिलहाल सब रफू होंगे, उसके बाद ही कुछ काम होगा। ये रहे पैकेट, ये रहे रफू। बहुत बड़े हिसाब से रफू होता है भाई, एक एक चीज़ बारीकी से देखनी पड़ती है, क्योंकि इसमें गल्ला भरा जाएगा तो फैलेगा नहीं। और धूप तो भाई पूछी मत, कितनी अच्छी है, बहुत चटक निकली हुई है। चलिए करते हैं फटाफट से मंजन। अभी फाइनली हम लोग करते हैं मंजन, उसके बाद चलते हैं सीधे घूमने के लिए। मेरे पापा का फ़ोन आया था कि आ जाओ जल्दी से, और दूध आ चुका है हमारा। हमारा दूध परमानेंट नहीं आता, हम लोग कभी कभी लेके आते हैं, वो भी गांव से आता है हमारा, तो रोज़ रोज़ तो नहीं आ पाता है। इसलिए हम जा रहे हैं दूध लेने के लिए, थोड़ा दूर है, 2-2.5 किलोमीटर से। तो चलिए चलते हैं, दूध लेके आते हैं, और फिर गर्म भी करना हो सकता है या नहीं हो सकता, वो बाद की बात है, देखते हैं। तो चलिए निकलते हैं सबसे पहले दूध के लिए। फाइनली दोस्तों, मैं घर से निकल आया हूँ बाइक लेके और चल रहा हूँ सीधा दूध लेने के लिए, क्योंकि अभी जस्ट मेरे पास मेरे दोस्त का भी फोन आ चुका है, इसकी बाइक है, कि जल्दी आ जाओ, मुझे बाइक की जरूरत है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। तो मैंने उससे कह भी दिया है हालांकि कि मैं आ रहा हूँ 10 मिनट में, क्योंकि मुझे दूध लेने जाना है। तो उसने कहा ठीक है, जल्दी से लेके उसके बाद आ जाओ। चलो तो मैं, हम लोग मिलते हैं, सीधा दूध लेते हैं, उसके बाद वापस भी आना है। मैंने दूध की बोतल डिग्गी में रख ली, मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ से निकलना भी है। अब यहाँ से चलते हैं सीधा दोस्त के पास, क्योंकि वो वेट कर रहा होगा। गाइस, मैं दूध लेके जा रहा था, तभी एकदम अचानक से ये लगा फाटक और रुक गए। अब लोग लग गया जाम लंबा वाला, और अब पता नहीं कितनी देर लगेगा ये जाम। तब तक करते हैं इंतजार ट्रेन आने का, और ये ट्रेन आ चुकी है जस्ट अभ्यास। जब मैं इधर उधर देख रहा था, तभी मेरा अचानक से ध्यान गया कि देखिए कितना प्यारा सा एक बकरी का बच्चा बैठा हुआ, वो भी एक आंटी की गोद में, बड़े मस्ती से बैठा हुआ है, एकदम शांति से बस इधर उधर देख रहा है और मज़े ले रहा है ज़िंदगी के। धूप की वजह से बेचारा परेशान हो रखा होगा, इसका मैं कह नहीं सकता, लेकिन मज़े आ रहे होंगे उसको भी। तो फाइनली दोस्तों, मैं घर आ चुका हूँ, और अभी मैंने जस्ट अभी फ्रिज में रखा है वो दूध की बोतल मैंने रख दी है। तो चलिए आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये देखिए दूध की बोतल, इसको मैंने फ्रिज में रख दिया है। और अब हम चलते हैं सीधा अपने दोस्त के पास, क्योंकि वो बहुत देर से वेट कर रहा होगा। तो चलिए निकलते हैं फटाफट से। थोड़े से पैकेट और आ गए हैं हमारे पास, तो देखिए निकाल रहे हैं और अच्छे अच्छे छांट के अलग रख रहे हैं, बाकी खराब वाले आंटी से है। उरतरी की है जो कौन सो भैया, किसान बड़ो झटका दे रहा हुआ हमें, जाएगा मारे हमें बच्चा, इन्हें खेलते रहा देंगे, नज़र ना आ गई तो हाल पिछी ले लिए, जो इनमें जहर ज़्यादा हुई है। और बड़ो सांप है वो भाई साहब, को जब बछड़ा कैसे उदम मचा रहा है। भाग रहा है, सबको भगा भी रहा है, बहुत परेशान करता है, छूट जाने के बाद तो फिर तो जो बहुत ज़्यादा उदम मचाता है।